तो क्या सच में अब हमारा बचपन का हीरो जाने वाला है? क्योंकि ये बोलने का मेरा कोई हक नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बात की थी कि ऐश की जर्नी को भी एंड हो जाना चाहिए, पर जब पोकेमोन इसे खुद अनाउंस कर रहा है, या फिर इसे अभी अनाउंस तो नहीं किया है पर बहुत हद तक अनाउंस कर चुका है कि अब ऐश की जर्नी ख़त्म होने वाली है, और सिर्फ ऐश की नहीं पिकाचू की भी जर्नी ख़त्म होने वाली है, और ये इतना ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग है कि भले ही मैं इसे जानता हूँ, भले ही मैं ये चाहता हूँ, पर फिर भी ये बहुत ज़्यादा दुख देता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। और शायद से ये एक इमोशनल नॉस्टैल्जिया ही है मेरे बचपन का कि मैं इन्हें जाने नहीं देना चाहता, और इनकी जगह पे शायद मैं किसी और को जल्दी देखना भी नहीं चाहता, बट फिर भी अंदर से एक दुख भी है और एक खुशी भी है कि अब कुछ नया ये लोग करना चाहते हैं। इस अनाउंसमेंट में जो चीज़ें हमें बताई गई है उससे हमें पता चल रहा है कि पोकेमोन का जो फ्यूचर है वो भी अनफोल्ड होगा, कि इसके आगे क्या चीज़ें वो दिखाएंगे, और स्पेसिफिकली शायद से ये जो लास्ट एपिसोड होने वाला है वो पूरी तरीके से ऐश के ऊपर ही होगा। सो यहाँ पे एक और बड़ा सवाल आ जाता है कि क्या ऐश पोकेमोन मास्टर बन चुका है? क्योंकि गैरी पूछता है कि तुम चैम्पियन बन चुके हो तो तुम क्या पोकेमोन मास्टर बनने के करीब नहीं आए हो? पर उसके बाद ही हमें एक लाइन सुनाई देती है कि हर एडवेंचर तुम्हें पोकेमोन मास्टर बनने के और करीब ले जाता है, और ये सपना कभी भी एंड नहीं हो सकता। पर इसके आगे कुछ ऐसा आता है जो कि सब कुछ क्लियर कर देता है, द फाइनल चैप्टर इन द ऐश एंड पिकाचू स्टोरी। ये एपिसोड जनवरी 13, 2023 को आने वाला है, यानी कि अगले साल, और अगले साल शायद से जो हमें नई सीरीज़ अनाउंस होगी उसके बारे में और भी अच्छे से डिटेल पता चलेगी। सो एक जगह पे हम ऐश और पिकाचू की जर्नी को एंड होता हुआ देख रहे हैं, और उसी के साथ हमें नए कैरेक्टर्स भी इंट्रोड्यूस किए जाते हैं जो कि पोकेमोन की नई सीरीज़ में प्रोटैगनिस्ट होंगे, जिसमें एक है लीको और दूसरे का नाम है रॉय। इनके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, पर स्पेसिफिकली ये नाम ज़्यादातर अभी बाहर आ रहे हैं, पर नाम कुछ अलग भी हो सकते हैं। एज को लेके यहाँ पे भी मैं डिसअपॉइंट हूँ कि यहाँ पे भी उनकी एज काफ़ी ज़्यादा कम लग रही है। मुझे लगा कि कैरेक्टर्स थोड़े से एज होंगे और थोड़े से हमें बड़े दिखाए जाएंगे, पर जब तक सीरीज़ के बारे में पूरी डिटेल्स नहीं आती तब तक हम कुछ कह नहीं सकते। आर्ट स्टाइल और बहुत सारी चीज़ें चेंज होती रहती हैं, पर जब हमें पता है कि अब इसे ज़्यादा नहीं खींचा जाएगा और नए प्रोटैगनिस्ट के साथ कुछ अलग तरीके से जर्नी दिखाई जाएगी, तो ऐश और पिकाचू की जर्नी को एंड होते हुए देखते वक्त इमोशनल ना हो पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि बचपन से इन्हें देखते आ रहे हैं। पर इसके ऊपर तुम्हारे क्या विचार है और तुम्हें क्या लग रहा है इसके बारे में, तुम कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और उसी के साथ अगर तुम चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना इस वीडियो को। जल्दी मिलता हूँ।